तो स्टूडेंट्स, हमने जैसे लास्ट लेक्चर में देखा कि फेस क्या होता है। मेरे बोलते बोलते बंद हुआ था, ऐसा कुछ नहीं है, वो गलत जगह से एडिट हुआ था, वहीं ख़त्म हो जाना चाहिए था वो लेक्चर, क्योंकि मैं 40 मिनट से ऊपर मटेरियल नहीं अपलोड करता हूँ। एट द सेम टाइम वहाँ पर बात ख़त्म हो चुकी थी, तो ये बिल्कुल ना सोचें। कुछ लोग मेरे को बता पूछ रहे थे कि सर आपने जो लास्ट लेक्चर था उसमें कुछ रह गया था। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एनीवेज, हमने जो समझा लास्ट टाइम वो था फेज, और फेज क्या था? एंगुलर पोजिशन, एंगुलर पोजिशन ऑफ अ पार्टिकल इन सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन, ये फेस था। अब जैसे कि मान लीजिए दो बच्चे हैं, रेस दौड़ रहे हैं, ठीक है, ऐसे दौड़ रहे हैं रेस, और हो सकता कुछ टाइम के बाद मान लीजिए ये बच्चा 60 मीटर की दूरी पर है और ये 40 मीटर की दूरी पर है, तो हम ये क्लियरली बोलते हैं भाई ये लीड कर रहा है ना, ये रेसर 1 और ये रेसर 2। ओके, तो वी कैन सी दैट रेसर 1 लीड्स रेसर 2। सिमिलरली, अब दो सुई मान सकते हैं, मान लीजिए 1 सेकंड की सुई है, 1 मिनट की सुई है ना, ऐसे, तो उनके बीच में कुछ फेज डिफरेंस होता है, दोनों हमेशा साथ में चिपकी नहीं देती, ठीक है। हालांकि ये एग्जाम्पल उतना अच्छा नहीं है क्योंकि इसमें दोनों की फ्रीक्वेंसी अलग अलग है, सेकेंड हैंड की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है और मिनट हैंड की फ्रीक्वेंसी कम है, तो हम फ्रीक्वेंसी पे नहीं जाएंगे, पर हम फेज डिफरेंस दिखा रहे हैं कि अगर गोल गोल कोई रेस कर रहा है, अगर सर्कुलर मोशन में रेस हो रही है, तो भी लीड और लैग वर्क किया जा सकता है, प्रोवाइडेड वी कीप द फ्रीक्वेंसी कॉन्स्टेंट, यस और नो। तो हम ये कह सकते हैं जैसे कि अगर मान लीजिए सेकेंड हैंड है, मिनट हैंड है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि अभी फेज डिफरेंस अगर करें तो ये क्या है, द एंगल बिटवीन देम, द एंगल बिटवीन द टू, कह सकते हैं एरोज, टू एरोज इन रोटेटिंग मोशन, रोटेटरी मोशन, द एंगल बिटवीन द टू एरोज इज कॉल्ड फेज डिफरेंस। जिस तरीके से यहाँ पे डिस्टेंस का डिफरेंस था, वैसे वहां पे फेज डिफरेंस है, ठीक है। अब हमने देखा कि जब कोई चीज अगर गोल गोल घुमाई जाए, तो अगर मान लो हम कोई चीज को गोल गोल घुमाते हैं, अब पार्टिकल ले लो और पार्टिकल का रेडियस जो है वो अदृश्य भी हो सकता है, या आप कायदे एक स्टिक ले लो और स्टिक को गोल गोल घुमाओ, लेकिन वी आर कंसर्न ओनली विद दी स्टिक की टिप पॉइंट्स, ओके, उसके टिप कोऑर्डिनेट्स की बात की जा रही है। आप पार्टिकल भी ले लो तो उसका रेडियस जो आप छू नहीं सकते, सिर्फ रेडियस है वो भी काम आ जाएगा हमारे। हमने नोटिस किया अगर पार्टिकल को सर्कुलर मोशन में घुमाया जाए तो उसका वाई कोऑर्डिनेट एसएचएम करता है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, वाई कोऑर्डिनेट एसएचएम करता है। सिमिलरली एक्स कोऑर्डिनेट भी एसएचएम करता है, और जब उसको हमने प्लॉट किया वाई कोऑर्डिनेट के एसएचएम मोशन को, जब यहाँ टाइम के साथ या एंगल के साथ प्लॉट किया, तो हमें साइन थीटा मिला, है ना, साइन थीटा, ये हमें यहाँ पे इस जगह पर मिला। सिमिलरली जब यहाँ पे किया तो हमें कॉस थीटा मिला, तो हमने रियलाइज किया यार कि हमारे जो करंट और ईएमएफ जनरेट हो रहे हैं उनमें भी ऐसी लगा रहता है ई नॉट साइन ओमेगा टी, वो भी साइनोसॉइडल होते हैं, ई नॉट साइन ओमेगा, ऐसे प्लस साइन लगा लो और साइन ओमेगा टी, वे भी ऐसे होते हैं, वो भी ऐसे हैं, तो क्यों ना हम इसको भी सर्कुलर मोशन में दिखा दें, है ना, इसको भी सर्कुलर मोशन में दिखा दें। यहां से आया ये आइडिया टू शो दीज वैल्यूज विच आर साइनोसॉइडल इन अ सर्कुलर मोशन। रिमेंबर दैट इट इज नॉट जस्ट द करंट एंड वोल्टेज, आपको जीवन में कभी भी कुछ साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी फॉर्म में देखे दिखा दो सर्कल में, ठीक है, सर्कल में दिखा दो। आइए देखते हैं कैसे दिखा रहे हैं, ये सब सर्कल में दिखाया तो क्या 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 चीजें हमें हमें टर्म बनाने पड़े सर्कल में दिखाने के लिए, लेट अस सी। तो जैसे मान लीजिए हमारा ये एक्स है और ये वाई और एक्स है, क्योंकि दोनों डिस्टेंस दिखाते हैं, ठीक है, बहुत सी बुक्स में ये वाई और एक्स मेंशन ही नहीं है कि वो क्या है। एनीवेज, अब देखो यहाँ पे हमने यहाँ पे आपको एरो दिखा दिया, थोड़ी देर बाद वो ऐसा हो गया, थोड़ी देर के बाद, तो ये क्या है, इसका घूमने की मान लो स्पीड है ओमेगा, कुछ टाइम के बाद ओमेगा टी आ गया, है ना।
अब देखो यहाँ पे अगर मैं इसका हाइट देखना चाहूँ, मान लो इसका नाम मैं करंट, मान लो ये करंट कह रहा हूँ, ठीक है, तो करंट हो गया, तो हाइट तो क्या होगी, हाइट होगी आई नॉट है साइन ओमेगा टी, है ना। और बेस से हमें मतलब नहीं होता इस चैप्टर में, हम केवल हाइट से मतलब रखते हैं। मैंने बोला आपसे कोई एक चुन लो, या तो वाई एक्सिस के कोऑर्डिनेट चुन लो या एक्स एक्सिस कोऑर्डिनेट, उसके अकॉर्डिंग चैप्टर पढ़ा लो पूरा। लेकिन सारी किताबें सब में वाई एक्सिस के कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग ही ये चैप्टर पढ़ाया गया है। तो मैं कन्फ्यूज नहीं करना चाहता आपको कि मैं अपनी अलग राह का लापूँ, ठीक है। तो हम नॉर्मली वाई एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स, वाई एक्सिस जो टिप के कोऑर्डिनेट समय के साथ बदलते रहते हैं, उन्हीं को लेकर आगे पढ़ते हैं। तो इसमें मैं क्या क्लियर मिली, जो आई नॉट है, तो रेडियस है, रेडियस ऑफ एरो ये देगा आपको मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट। तो यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ मैक्सिमम करंट देता है, यानी कि मैग्नेट, और यू कैन से मैग्नीट्यूड ऑफ मैक्सिमम या पीक करंट, पीक करंट कौन देगा, रेडियस। फिर दी वाई कोऑर्डिनेट या को देगा इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट, ये आपको इस तरीके से देगा, ठीक है, ये पता होना चाहिए। और क्या चीज पता चल रही है हमको, देखो एक तो पता चला हमें मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट, दूसरी चीज क्या पता चली हमें, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट, तीसरी चीज क्या पता चल रही है हमें, फेज कितना है, और क्या इस डायग्राम से क्या क्या मिल रहा है, पहली चीज तो मिल रही है मैक्सिमम वैल्यू, तीसरी चीज फेज ऑफ करंट, है ना, फेज मतलब एंगुलर पोजीशन, उस वक्त क्या फेज है, ये आपको जब डायग्राम बनाने शुरू करेंगे तब बताएंगे, ठीक। फेज ऑफ करंट ये भी हो सकता है कि एरो जैसे कि दो बनाएंगे ना अभी हम, तो दो एरो होंगे तो एक बड़ा भी हो सकता है सर, जरूरी नहीं है, एक बड़ा वाला बड़े सर्कल में मूव कर सकता है। तो एक तो फेज मिल रहा है हमें किसी एक क्वांटिटी का, करंट या वोल्टेज का, और दूसरा हमें मिल सकता है फेज डिफरेंस, ये सर ना, फेज डिफरेंस भी तो मिल सकता है। तो चौथी चीज फेज डिफरेंस मिली हमें। अच्छा पांचवी चीज क्या मिली, सुनना ध्यान से, फेज रिलेशनशिप। फेज रिलेशनशिप मतलब फेज का रिलेशनशिप विद द क्वांटिटी, जैसे कि हम देख सकते हैं कि आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी है ना, और ये थोड़ा सा आगे है इससे, ई बराबर हमने इस बार थोड़ा फाई एंगल ई को आगे बनाया है, कोई फर्क नहीं पड़ता कहीं भी फाई लगा दो, तो ये फेज रिलेशनशिप्स होती हैं, वी गॉट अ फेज रिलेशनशिप ऑल्सो। अब इस फेज 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 के ऐसे, इसको एरो डायग्राम थोड़ी ना बोलेंगे, इसको बोलते हैं फेजर डायग्राम, फेज जो दिखाया है उसे फेजर डायग्राम बोलेंगे। तो फेजर डायग्राम की डेफिनेशन क्या है, देखिए फेजर डायग्राम हो गया अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ करंट, ऑल्टरनेटिंग करंट एंड ऑल्टरनेटिंग ई एम एफ इन एज अ सर्कुलर मोशन, एज अ सर्कुलर मोशन विच शोज द रेडियस, सॉरी विच शोज द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट, मैग्नीट्यूड ऑफ मैक्सिमम करंट, देयर फेजेस, देयर फेज डिफरेंस, इंस्टेंटेनियस वैल्यू, और लास्ट में फेज रिलेशनशिप, फेज रिलेशनशिप इज कॉल्ड अ फेजर डायग्राम। एक और कारण है फेजर डायग्राम का, एक तो कारण है कि फेज 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 बोल रहे थे तो फेजर डायग्राम बोल दिया, एक कारण और है कि लेटर ये जो क्वांटिटीज हैं करंट और वोल्टेज, जब इनका एडिशन सब्ट्रैक्शन होगा तो वेक्टर मेथड को फॉलो करेगा, देख लेना भैया, ठीक है।
तो लेकिन ये वेक्टर्स तो है नहीं, तो हम इन्हें वेक्टर्स नहीं बोल सकते। देखो करंट और वोल्टेज वेक्टर्स नहीं होते हैं, तो हमें फेजर वर्ड बोलना पड़ा मजबूरी में, क्योंकि जो ऑपरेशन यूज होता है इनको ऐड सब्ट्रैक्ट करने में, यानी कि अगर यहाँ पे दो एरोज ही वोल्टेज के होते तो उन्हें ऐड सब्ट्रैक्ट करने में हम जो मेथड यूज करते हैं वो वेक्टोरियल होता है, वेक्टर एलजेब्रा के अकॉर्डिंग होता हो जाता है वो, इसलिए हम उनको वेक्टर्स बोलने मजबूरी हो जाती है हमारी, पर वो वेक्टर्स तो है नहीं, करंट और वोल्टेज वेक्टर्स तो है नहीं, इसलिए हम उन्हें फेजर ही बोल रहे हैं। दूसरी बात, कई बार हम क्या करते हैं कि जैसे हमने नोटिस किया होगा कि जिस तरह किसी वेक्टर का एडिशन होता है वैसे कॉम्प्लेक्स नंबर का भी एडिशन होता है, इसलिए इस पूरे ऑल्टरनेटिंग करंट की पूरी एलजेब्रा को कॉम्प्लेक्स नंबर की मदद से पढ़ाया जाता है। तो कभी भी आपको ये लगे कि वेक्टर की तरह ट्रीट हो रहा है, तो वेक्टर क्यों नहीं बोल सकते इसको, और हम क्यों ले रहे हैं अगर ये वेक्टर नहीं, तो ये सारे डाउट सबके दिमाग से हट जाएंगे कि भाई जो जो ऑपरेशंस वेक्टर्स में फॉलो होते हैं वो कॉम्प्लेक्स नंबर में भी फॉलो होते हैं, पर कॉम्प्लेक्स नंबर तो कोई वेक्टर्स है नहीं। ठीक है, तो ऐसा कोई बपौती नहीं है वेक्टर की, मैं कि अगर बस वही होगा उस तरीके से कि 2 + 2 = 4 नहीं 0 भी हो सकता है, ऐसी बपौती नहीं है, कॉम्प्लेक्स नंबर भी ये फॉलो करते हैं। तो आप देखेंगे कई कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में खासतौर से कॉम्प्लेक्स नंबर का सहारा लेकर इस चैप्टर को पढ़ाया जाता है। मैं ये काम इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि हमारे पास बायो के बच्चे भी हैं, उनको कॉम्प्लेक्स नंबर का सी भी नहीं पता, तो और बिना उसके भी चीजें हो जाती हैं, पर मैं कोशिश पूरी करूंगा कि बाय द एंड व्हेन दिस यूनिट एंड्स आई विल ट्राई टू टेल सर्टेन नोटेशंस कि कॉम्प्लेक्स नंबर से कैसे इसको कोचिंग में बताया जाता है, ताकि अगर किसी को कोचिंग में ये चीज समझ में नहीं आई हो तो वो यहां से हेल्प ले सकता है, पर मैं इसकी प्रॉमिस नहीं कर रहा कि मैं कर ही दूंगा। ठीक है, एनीवेज, तो वी हैव डन विद व्हाट इज अ फेजर डायग्राम, जस्ट पांच चीजें जो फेजर डायग्राम दिखाता है उसको ही चेप दो, बन गई डायग्राम की डेफिनेशन। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ फेजर डायग्राम, लेट्स सी हाउ इट गोस।